मैं नरेंद्र जोशी अधिवक्ता उदयपुर बार का मेंबर हूं और आज इतने सारे लोग हुए इनके संदर्भ में मैं आपको अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं। दिनांक 1/8/2017 को 43 लोगों की उपस्थिति में लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर के समक्ष मेवाड़ मोटर्स गली में चलने वाले संस्कार इंडिया डेवलपर्स लिमिटेड के खिलाफ इस बाबत रिपोर्ट दी थी कि इन्होंने उदयपुर की जनता का करोड़ों रुपया गबन कर लिया है और फरार हो गए। इन लोगों की रिपोर्ट देने के बावजूद आज समय 1.5 साल का वक्त हो गया लेकिन पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की है। इसके डायरेक्टर जो मुख्य रूप से लोकेश टाक, पिंटू देवी और पिंटू देवी के अतिरिक्त प्रदीप चौधरी, दशरथ टाक, ये सभी लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और पुलिस द्वारा ऐसा कोई सार्थक प्रयास अब तक नहीं किया गया है कि इनकी गिरफ्तारी हो सके। और सबसे बड़ी बात इसमें बता दूं कि लोकेश टाक द्वारा एक षड्यंत्र रच के उपस्थित लोगों में से कई लोग जो कि निवेशक हैं और जो कि एजेंट है, इनके आईडी और एड्रेस प्रूफ लेकर इनको कंपनी में डायरेक्टर बना दिया। और दिक्कत भी इनके सामने ये हो रही है, जब भी पुलिस प्रशासन के पास जाकर ये पुलिस थाना सूरजपुर जा रहे हैं तो उनके द्वारा इन्हीं को धमकाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्यों तुमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, माना कि कुछ इनकी है लेकिन पुलिस को चाहिए कि आवश्यक रूप से कार्रवाई करें। इसी मैटर में आज समस्त लोग 1.5 साल बाद जिला पुलिस अधीक्षक के महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए और अपनी व्यथा उनको बताई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अच्छी कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ समय तक अगर इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ समय बाद क्यों नहीं ये पुलिस स्टेशन गए, क्यों नहीं ये एसपी साहब के पास गए, 1.5 साल का अंतराल क्यों लगा? इनके द्वारा ही बताया जा रहा है कि वास्तव में ये कई बार जब जब भी पुलिस का फोन आया अपने बयान देने के लिए गए हैं। 43 लोगों में करीब 25 लोगों के आसपास के बयान भी हो चुके हैं, अपने जो दस्तावेज थे इन्होंने जमा भी करा चुके हैं और ये आस लगाए बैठे कि आज निकल कार्रवाई होगी, आज निकल कार्रवाई होगी। और सबसे बड़े कारण ये है कि दूर दराज गाँवों के लोग हैं, कोई जाडोल का है, कोई बड़ी सादरी का है, कोई छोटी सादरी का है, तो कोई खैरवाड़ा, कोई सलूम्बर का है, सब लोगों का एक साथ आना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इच्छा शक्ति के चलते आज सब लोग एक साथ एकत्रित होकर इसलिए आए हैं कि इन्हें उम्मीद है कि अगर झुंड के साथ हम जाएंगे तो पुलिस द्वारा कोई सार्थक कार्रवाई की जाएगी और इसी संदर्भ में आज इन्होंने संपर्क किया है। और सबसे बड़ा इनका जो फ्रॉड ये हुआ है कि उन मासूम लोगों को जिनकी 10वीं तक की एजुकेशन नहीं है और जिनको इंग्लिश के ABCD नहीं आते उन लोगों को कंपनी में डायरेक्टर बना के पुलिस सामने वालों ने 467-468 के अंतर्गत गंभीर अपराध कारित किया है। चूंकि इन्होंने रिपोर्ट दी थी 420B 467 468 409 लेकिन पुलिस द्वारा मात्र 420 और 406 के अंतर्गत ही FIR दर्ज की गई है। हमारा यह भी निवेदन इन सब की ओर से कि अतिरिक्त धाराएं जोड़कर तुरंत लोकेश टाक को गिरफ्तार कराया जाए और यहाँ तक कि इनकी संपत्ति जो कि यहाँ पर उन्होंने खरीदी हुई है उनको पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर रोक लगाए उनके ऊपर और उस संपत्ति से संबंधित इन्वेस्टिगेशन ले अपनी। और इनका जो परिवारजन या जो नजदीक में मौजूद है क्या उनके द्वारा भी पुलिस कड़ाई से पूछताछ करके जाहिर कर सकती है कि ये लोग कहाँ हैं और कब इनका मिलना संभव हो पाएगा। लगभग कितना रुपया उन्होंने इन्वेस्ट करवाया? करीब 22 करोड़ के आसपास की राशि है जो संस्कार इंडिया की तरफ से मैं इन लोगों द्वारा जमा कराएगी। इनमें कई निवेशक भी है कई। मेरा नाम कल्पेश कुमार सारेगिया है और मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट सागवाड़ा का रहने वाला हूँ। संस्कार इंडिया डेवलपर्स एंड अलाइड कंपनी के अंदर हम लोगों ने पैसा लगाया सर। यहाँ पे मैंने अपना पैसा लगाया, अपने परिवार का लगाया, रिश्तेदारों का पैसा लगाया। कंपनी में जब ये कंपनी की प्रोफाइल है, मतलब सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी बनाई है, लिमिटेड कंपनी है, हमको बताया गया जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको फ्लैट मिलेगा, आपको प्लॉट मिलेगा, सेक्टर 14 में हमको ज़मीन बताई। उसके बाद में इन लोगों ने सांगवा में एक ज़मीन जो थी वहाँ से प्लॉट मिलेंगे, आपको ज़मीन देंगे और 96 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट बताया सर हमारे को कि ये बहुत जल्द रजिस्ट्री होने वाली है कंपनी की। सेक्टर 14 के अंदर लेक गार्डन सिटी के पीछे 25,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया बताया जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, इसमें फ्लैट बिकेंगे करोड़ों रुपए के, इस तरह की सर बातें बताई और काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कराया। यहाँ पे हमारे साथ में ये कई रजिस्ट्रियाँ इस फाइल में लगी हुई हैं, कई फोटोज उन्होंने डाल रखे हैं और पैसे लेने का जो इनका माध्यम था सर वो किस्त भुगतान योजना RD के रूप में सर इन्होंने पैसा लिया, फिर एक मुश्त जमा योजना FD के हिसाब से इन्होंने पैसा लिया, 5 साल के प्लान में लगवाया इन्होंने पैसा, 7 साल में लिया, 10 साल के लिए लिया, समय पूरा होने से पहले ही वो कब ऑफिस बंद करके यहाँ से रवाना हो गए। आपको धोखाधड़ी का अंदेजा कब हुआ? सर धोखाधड़ी का अंदेजा जब ऑफिस बंद हो गया तो कुछ लोग गए सर वहाँ पे जाके, एक दिन गए, 2 दिन गए, ऑफिस बंद मिला, उनको फोन किया, कुछ स्टाफ के नंबर वगैरह थे तो कुछ वहाँ से कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद में जो है सब लोग इकट्ठे होने लगे, एक दूसरे के फोन आने लगे, अभी क्या हुआ, ऑफिस बंद क्यों है, कहाँ है, कंपनी के डायरेक्टर पिंटू देवी टाक, लोकेश टाक, इन सब के टेलीफोन जो है वो स्विच ऑफ हो गए। उनके जो मिलने वाले हैं जो आते थे रोशन जी टाक, उनके साले साहब,
उनसे बातचीत हुई, वो आए नहीं सब वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ और हम बोला, उन्होंने कुछ बताया नहीं। इसके अलावा इनके जो जिया जी थे रामचंद्र जी टाक, जो जमीन का पहला एग्रीमेंट उन्होंने हमें बताया, सांगवा की जमीन थी कि ये जमीन जो कंपनी की जमीन है, उन्होंने किस हिसाब से ये एग्रीमेंट बनाया जो आज दिन तक जो है वो कभी कंपनी के नाम पे रजिस्ट्री हुई नहीं। उसके अलावा जब हमें थोड़ा अंदाजा लगा सेक्टर 14 की जमीन, वहाँ हम गए देखने के लिए, पता करने के लिए कि कंपनी की जमीन, तो वहाँ पे भी UIT ने आकर के 30 फीट का जो है रोड निकाला और पता चला कि वहाँ पे भी कोई दूसरे लोगों के प्लाट हैं। वो सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स के नाम से हमें पता चला कि वो वहाँ पे, जिस वक्त हमें बताया था उस वक्त वहाँ पे संस्कार इंडिया डेवलपर्स का बाउंड्री बनी हुई थी, गेट बना हुआ था वहाँ पे, और उन्होंने बोला कि साहब ये जमीन जो है वो 6.25 करोड़ रुपए में कंपनी ने खरीदी है और यहाँ पे बहुत बड़ी मल्टी बनेगी। इसके अलावा कंपनी ने नीमच मंदसौर हाईवे पे भी जमीन खरीदी है, उसके अलावा दहियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदी है उन्होंने वहाँ पे भी जो है, और ऐसी कई जगह पे, और जो हमारे नोटिस में है लई में भी जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने वहाँ पे, और उदयपुर के आसपास में जो है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, मावली में खरीदी उन्होंने, लेकिन समय से पहले जो है वो यहाँ से भग गए, उनकी नीयत खराब हुई जो है और आज दिन तक उसका कोई पता नहीं है सर। इसके अलावा 1 अगस्त 2017 को हमने जो है FIR लॉन्ची, उससे पूर्व में जो है हम SP साहब के पास में 43 लोगों ने जाकर के अपना परिवाद पेश किया, और उसके बाद में हमें वहां से पुलिस स्टेशन सूरजपोल थाना में जो है FIR दर्ज हुई सर। वहां पे बार बार गए जो है हम लोगों ने, हमारे बयान दर्ज कराए, बयान दर्ज कराने के बाद में वहां से ऐसा सुनने को मिला, ये तुमने क्या, तुम्हारे गाँव में क्या बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं था, तुम्हारे वहां तुम दूसरी जगह पे पोस्ट ऑफिस में ये लोग काम करवा लेते थे, इस तरीके, बल्कि वहाँ से कोई हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, हमें कोई उचित कार्रवाई के लिए हमें कोई आश्वस्त नहीं किया गया, बस ये कहा गया कि ठीक है देखेंगे हम, कोई बात नहीं। हमने भी थोड़ा मतलब वेट किया, कोई बात नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, आज करीब 1.5 साल हो गया इस बात को, लेकिन अभी तक सर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। हम प्रशासन से और SP साहब से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस केस की सर जल्द से जल्द सुनवाई हो, और उस लोकेश टाक और पिंटू देवी टाक और पंकज पवार को जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जावे, और लोगों का पैसा उसका भुगतान सर कराया जावे। दूसरा निवेदन सर मैं ये करना चाहूँगा कि कंपनी की जो ज़मीनें जहाँ भी हैं, हो सकता है वो अपनी किसी रिश्तेदार को पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके कहीं वो ज़मीनें न बेच दे, तो उसके लिए सर कोई कानूनी कार्रवाई की जावे, ताकि वो ज़मीनें कोई खरीदे नहीं। फत के पास भोजपुरा गांव है, और संस्कार इंडिया में खुद का पैसा भी जमा करवाया और लोगों का भी जमा करवाया। किस तरह से आपको उन्होंने बताया था कि इसमें पैसा जमा कराने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या आगे इसमें उन्होंने लाभ लोगों ने देखे, फिर बताया था कि 5 साल में डबल हो जाएंगे, और RD के एवज में पैसा डालोगे तो डेढ़ा पैसा बन के बचत होके टुकड़ी टुकड़ों में पैसा जमा करवा कर आपकी एक मुंडी बन जाएगी, यूं करके उन्होंने को साझा दिया। अभी तक आप कितना पैसा जमा करवा चुके? अभी तो मेरा खुद का और मेरे लोगों के साथ का 10-15 लाख रुपए मेरे हैं। आज दिनांक 6 मार्च 2019 को हम सभी संस्कार इंडिया के पीड़ित लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उदयपुर में, और SP साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि आज से 1.5 साल पहले हम लोगों ने जो FIR की थी उसकी अब तक प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो मेन आरोपी था लोकेश टाक, पिंटू देवी, पंकज पवार, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है, उनकी कोई खोज खबर नहीं है, जबकि हम सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, और काफ़ी समय से आ जा रहे हैं, थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमें हर बार प्रॉपर जवाब नहीं मिल पा रहा है कि कार्य की क्या गति चल रही है। और आज जिस तरह से हम इकट्ठे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई पाली से, कोई मारवाड़ से, कोई राजसमंद से, कोई अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए, सभी लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम सभी लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी उदयपुर के आसपास में है उसको सीज किया जाए, उसकी खरीद पर रोक लगाई जाए, और हमारे केस के साथ में अटैच की जाए, जिससे हम सभी लोगों को जो लुभावने वादे बताए थे जमीनों के माध्यम से कि आपको प्लॉट दिए जाएंगे या फिर मल्टी बना के आपको फ्लैट दिए जाएंगे, जो आप किस्तों में पैसा इकट्ठा कर रहे हो इसके एवज में आपको ये चीज़ें मिलेगी, लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक न तो वो ज़मीनें लीगल रूप में थी, न ही हमें हमारे पैसे का रिटर्न मिला, और उससे पहले ही वो समय से पहले भाग गया बंदा, और जिससे हम बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। मैं प्रकाश पानीवार, सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान।
फोन आएगा। मैं रविंद्र रजावत दरियावत से हूँ और मेरे लाखों रुपया मतलब 12-13 लाख के आसपास पेमेंट मैंने ये संस्कार इंडिया डेवलपर्स में जमा कराए थे, जो कि आज तक तो वो लोकेश टाके वो हमको बेवकूफ़ बना के सब पैसे मतलब फरार हो गया, और हमारे जो साथ में केवाईसी ली थी उस केवाईसी के दूर मतलब उसका अलग दूरी पर करके ना अरुणा जैन का नाम उस डायरेक्टर में डाल दिया और अन्य भी 4-5 जनों का भी डाल रखा है, अभी पत्नी है जो कि मेरी वाइफ है, और कम उसको जल्द से जल्द पकड़वाने का कोशिश कर। कभी इनके कार्यालय में आई है वो? आज तक तो उसने कभी ना ऑफिस देखा है और कुछ नहीं, और वो कुछ जानती तक भी नहीं है, केवल पैसे कराए वो खुद पैसे लोकेश टाक वहाँ हमारे छोटी दरियाद में दुकान है तो वहाँ खुद वो लेने आता था। क्या आरडी एफडी जो भी है वो आरडी और पेमेंट नाम पे या आपके नाम पे? हम हमारे दोनों के नाम से, अरुणा जैन के उनके नाम से भी है और मेरे नाम से भी हमने के वो चलो महीने महीने कुछ लास्ट में राशि मिलेगी तो कुछ काम आएगी उस हिसाब से हमने उसको जमा करवाई थी, और वो पेमेंट भी हमारे वहाँ दुकान पे ही लेने आता था।